झारखंड एक ऐसा राज्य जो जितना खूबसूरत है उतना ही दुर्गम और कठिनाइयों से भरा है। ये स्थिति विकास की गति को प्रभावित करती है, परंतु कहा है ना कि आसान रास्तों पर तो कोई भी चल लेता है, कठिन रास्तों से मंजिल को जांबाज ही पाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए लाल किले की प्राचीर से डिजिटल इंडिया की कल्पना को अपनी बुलंद आवाज में रखते हुए आह्वान किया। अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया में बेहतर कार्य के लिए झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जाहिर है डिजिटल इंडिया बनाने में और आम आदमी के हाथों में मोबाइल गवर्नेंस पहुंचाने में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत संचार निगम लिमिटेड देश की अग्रणी संचार संस्था है, अतः निगम की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खासकर झारखंड जैसे सुदूर इलाकों में तो ये चुनौती और बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद निकल आते हैं। शायद इसीलिए एकदम देशी तकनीक पर आधारित सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल टावर का इसी बीच आविष्कार हुआ। आगे बढ़कर दूर संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के मार्ग निर्देशन में BSNL ने देश के 9 राज्यों में LWE टावरों को स्थापित करना आरंभ किया। पूरे देश में ऐसे कुल 2199 टावरों को लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से सर्वाधिक 782 टावर झारखंड में लगाए जा रहे हैं। हर्ष का विषय है कि मात्र 14-15 महीनों की अल्पावधि में CMD BSNL तथा CGM BSNL झारखंड सर्किल के मार्ग निर्देशन में समर्पित कर्मचारियों तथा सेवा प्रदाताओं के अथक परिश्रम तथा राज्य सरकार के अप्रतिम सहयोग की बदौलत 650 से भी अधिक टावर अभी तक स्थापित कर लिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री, दूर संचार मंत्री तथा CMD BSNL की दृढ़ इच्छा शक्ति और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से BSNL ने प्रेरणा ग्रहण की है और न सिर्फ टावरों की स्थापना वरन मोबाइल सेवा के अन्य क्षेत्रों में सफलता की मिसाल पेश की है। पिछले 2 वर्षों में अन्य प्रतिस्पर्धी सेवाओं की तुलना में अपनी अच्छी सर्विस, मुफ्त रोमिंग, नाइट फ्री कॉलिंग, फ्री टू होम सर्विस जैसी सुविधाओं एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग की बदौलत ग्राहकों के बीच विश्वसनीयता में भारी इजाफा हुआ है। यही कारण है कि हमारे कैंपों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और हमने भी दिन रात सड़क मेला बाजार में मोबाइल सिम उपलब्ध कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। बेहतर सेवा होने के कारण हाल के महीनों में इसके उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। BSNL की बढ़ती हुई विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही के कुछ महीनों में अन्य नेटवर्कों से पोर्ट कराकर भारी संख्या में ग्राहकों ने BSNL की सेवा लेना आरंभ कर दिया है। हमने राज्य की सड़कों, रेल मार्ग और अन्य स्थलों में अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और अभी हम अन्य किसी भी नेटवर्क से कहीं बेहतर सेवा दे पा रहे हैं। हमारी कनेक्टिविटी भी सबसे अधिक है। वहीं स्किल इंडिया के क्षेत्र में भी BSNL झारखंड सर्किल ने सराहनीय कदम बढ़ाते हुए ST SC OBC एवं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बना रही है। दरअसल सफलता की इन ऊंचाइयों के पीछे BSNL कर्मियों का भारी योगदान है। उनके बीच से ही सर्विस विद स्माइल जैसा स्लोगन निकलकर सामने आया और सचमुच आज प्रत्येक कर्मी मुस्कान के साथ ग्राहकों को सेवा देने में तत्पर दिखलाई देता है।
ट्राई ने BSNL को अपने नेटवर्क में हाल के महीनों में सबसे ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने का खिताब दिया है। झारखंड सर्किल को इन प्रयासों के लिए पूरे देश में सिम सेल ग्रोथ एवं VLR ग्रोथ में प्रथम पुरस्कार तथा MNP में द्वितीय पुरस्कार पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। कहना नहीं होगा, हौसलों को पंख मिल गए हैं और अब मंजिल मिलने की खुशी सबकी आंखों में झलकने लगी है। कदम दर कदम हम बढ़ते जाएंगे, हर हाथ में शासन की शक्ति पहुंचाएंगे। ठान लिया है दिल में अपने, क्रांति दूत बनकर दिखलाएंगे, विकास पर्व मनाएंगे। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।